हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं सुरेंद्र सिंह आज आपको एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों इस वीडियो में आज आपको बताएंगे पीएफ अकाउंट का बैलेंस आप कैसे चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें सब कुछ टोटल कितना बैलेंस आ रहा है और कैसे आप दो तरीके से आपको बताएंगे कैसे आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको मोबाइल में अपने भी गूगल का कोई भी ब्राउज़र है उसको खोल लेना है। दोस्तों मेरे में क्रोम ब्राउज़र में उसको खोल लेता हूँ। खोलने के बाद दोस्तों अपन को यहाँ पर मेंबर पोर्टल सर्च करना है। ठीक है दोस्तों, सर्च करने के बाद दोस्तों अपन को नीचे देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ईपीएफओ मेंबर पासबुक क्लेम स्टेटस, यहाँ पर आपको दबाना होगा। दबाने के बाद दोस्तों एक बात बता देता हूँ, यदि दोस्तों आप इसमें डेस्कटॉप साइड कर लेंगे तो दोस्तों ये आपको मोबाइल से पीएफ का बैलेंस और स्टेटस कैसे भी आपको बताएगा नहीं। तो दोस्तों आपको इसमें डेस्कटॉप साइड यहाँ जाके डेस्कटॉप साइड नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ डेस्कटॉप साइड आप कर लोगे तो आपको नहीं दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अपना यूएन नंबर और पासवर्ड मैं आपको डाल के बता देता हूँ। दोस्तों मैंने अपना यूएन और पासवर्ड इसमें आप डाल लिया है। अब दोस्तों इसमें कैप्चर कोड डालना होगा। दोस्तों कैप्चर कोड एकदम सही डालना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि सही नहीं डाला है तो ये आपका लॉगिन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लॉगिन पर आपको दबाना है। लॉगिन पर दबाने के बाद दोस्तों आपकी आईडी खुल गई है, उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट मेंबर आईडी, तो दोस्तों इसमें आपको दबाना है। दबाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यदि एक या दो या तीन आपने जितनी भी कंपनियों में काम किया है तो उतनी ही आपके मेंबर आईडी होंगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको करंट का या पुराना जो देखना है उसको दबाएं। दोस्तों मेरे में अभी एक है तो मैं अभी इससे ही आपको चेक करके बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, चेक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे चलना है। नीचे चलने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू पासबुक और व्यू क्लेम स्टेटस, तो दोस्तों आपको इसमें आपका पैसा पासबुक और आप अपने जो भी पैसे के लिए फॉर्म भरेगा तो उसका स्टेटस आप जांच सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले व्यू पासबुक पर दबाना है, इसमें दोस्तों ओल्ड वाले पे दबाना होगा आपको। ठीक है दोस्तों, ये क्या आपको कंप्लीट अभी तक कितने आपके पैसे बने वो इसमें सब कुछ आपको बता देगा। और दोस्तों थोड़ा वेट करना पड़ता है क्योंकि इसमें सर्वर की वजह से। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको ये आपका पासबुक खुल गया है, उसमें लिखा हुआ है दोस्तों आपका बैलेंस, जो भी आपका बैलेंस होगा दोस्तों, जो भी बैलेंस होगा दोस्तों वो इसमें आपको दिखाएगा टोटल बैलेंस कितना है दोस्तों, और आपका इसमें सबको टोटल लिखा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको नीचे चल के देखना है, यदि दोस्तों आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आप डाउनलोड पासबुक दबाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो दोस्तों हम आपको लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपका जो भी ईयर में काम किया आपने वो ईयर इसमें आपको लिखे आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पर्टिकुलर मंथ में जो कटे दोस्तों वो इसमें आपको लिखा आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो भी आपके पैसे कटे वो कितने पैसे कटे दोस्तों वो इसमें सब कुछ लिखा आ जाएगा, और आपके कंपनी के वालों के कितने पैसे कटे वो इसमें लिखा आएगा दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आपके पेंशन में कितने पैसे जा रहे थे दोस्तों वो सब कुछ इसमें आपके पास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपको बता दें कि डाउनलोड आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अपन डाउनलोड पासबुक पर दबाते हैं, डाउनलोड पासबुक पर दबाते दोस्तों तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड पर आपको दबाना होगा, डाउनलोड पर होगा डाउनलोड कर देनी है दोस्तों, थोड़ी देर में आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ठीक है दोस्तों, ये आपका आपके मेंबर आईडी का जो पासबुक है टोटल कितने पैसे है वो सब कुछ आपके इसमें देख सकते हैं। उसके बाद आपको प्रिंट निकाल के भी आप इसको बारीकी से आप सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि आप दूसरे तरीके से आप डायरेक्ट अपने मोबाइल पर कैसे बैलेंस चेक प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, ये कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको मिस कॉल देनी है। ठीक है दोस्तों, ये मिस कॉल उसी नंबर से देना है आपको जिस जो भी आपके पीएफ अकाउंट से नंबर लिंक है। ठीक है दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों इसी प्रकार की आपको और अपडेट और नई इन्फॉर्मेशन आपको लेकर आएंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।